मिस यूनिवर्स 2024 का ताज रिया सिंघा नाम की एक लड़की ने जीता है। रिया ने खिताब अपने नाम कर भारत का नाम रोशन कर दिया है। राजस्थान के जयपुर में ऑर्गेनाइज इस कॉन्टेस्ट में रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 में जीत अपने नाम दर्ज कर ली है। 22 सितंबर को आयोजित इस कॉन्टेस्ट में रिया को ताज एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने पहनाया और इस ताज को पहनाने के बाद अब रिया सिंघा मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। जी हां, रिया सिंघा ने ताज जीतने के बाद एक बातचीत के दौरान कहा कि आज उन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है, इसके लिए वो बहुत आभारी है। रिया ने आगे कहा कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने बेहद मेहनत की है। रिया ने इस बातचीत के दौरान आगे कहा कि वो खुद को इस ताज का हकदार मानती है। वो पहले विनर रह चुकी मॉडल से भी बहुत इंस्पायर्ड है। आपको बता दें कि रिया गुजरात की रहने वाली है। वो अब मिस यूनिवर्स 2024 कॉन्टेस्ट में भारत को लीड करेंगी। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये कॉम्पिटिशन इस साल के लास्ट में होने वाला है। आपको बता दें कि इस कॉन्टेस्ट में 51 फाइनलिस्ट्स ने हिस्सा लिया था, वहीं रिया का प्रतियोगी नंबर 36 था। इस खास मौके पर उर्वशी रौतेला, जो बॉलीवुड की एक ग्लैमरस एक्ट्रेस है, उन्होंने भी रिया को जमकर बधाई दी और उन्हें ताज पहनाया। मॉडल और एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला 10 साल पहले साल 2015 में मिस यूनिवर्स इंडिया बनी थी। ऐसे में वो इस इवेंट में बतौर जज पहुंची थी। आपको बता दें कि जब एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने रिया सिंघा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज पहनाया, तब उनकी खुशी अलग ही लेवल पर थी। रिया इस मौके पर बेहद खुश नजर आई थी और उन्होंने अपनी एक पोस्ट के जरिए इस खुशी को जाहिर भी किया। वहीं खिताब जीतने के बाद रिया ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि मैं इस ताज के लिए लायक हूँ, क्योंकि मैंने इसके लिए खूब मेहनत की है और ये ताज पहनकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर भी रिया की काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है। वो बेहद खूबसूरत है और इंस्टाग्राम पर वो काफी एक्टिव रहती है। रिया सिंघा की जीत पर उनका परिवार और दोस्त भी बेहद खुश नजर आए और अब सभी चाहते हैं कि वो मिस यूनिवर्स 2024 भी जीत कर आए। बता दें कि इस कॉन्टेस्ट के दौरान रिया सिंघा ने एक से बढ़कर एक ड्रेसेस पहनी थी और उनकी ड्रेस भी बहुत अनोखी थी। जैसा कि आप इनमें से एक फोटो में देख सकते हैं कि इस दौरान रिया सफेद और लाल कलर की साड़ी पहने हुए एक हाथ में शिवलिंग लिए नजर आ रही है, जो उन्हें सबसे अलग और डिफरेंट बना रहा है। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कॉमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन।